वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत बढ़िया होंगे और आज का दिन भी बहुत अच्छा जाएगा, यही दुआ है मेरे भगवान से। तो चलिए, आज का दिन कैसे रहेगा, कहाँ पे एंट्री लेने से हमें एक अच्छा प्रॉफिट लेके घर जा सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मॉर्निंग अपडेट में हम बात करते हैं कि कौन सी सीई एंड कौन सी पीई के ऊपर को अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है और ग्लोबल मार्केट से क्या न्यूज़ आ रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी ग्लोबल मार्केट से, तो न्यूज़ कंटिन्यू हमें एक मीडियम टाइप के दिख रहा है, पॉजिटिव को भी नेगेटिव, कोई पॉजिटिव को भी नेगेटिव, बट इंडियन मार्केट कंटिन्यू फॉल हो रहा है। इसका जो सीक्रेट रीजन है, सीक्रेट रीजन कल का इस वीडियोस में मैं बहुत क्लियरली डिस्कस किया हूँ। सब लोग एफआईआईज की बात कर रहे हैं, लेकिन एफआईआईज के पीछे भी एक और कहानी है जो हमने इस वीडियोस के ऊपर बात किया था। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं तो सबसे पहले आपको मिल गया होगा कल का वीडियोस, अदरवाइज आप वो वीडियो एक बार देख लीजिएगा। और इस वीडियोस का जो मेन टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा कि आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी में ऐसे कुछ पॉइंट बता दो सर जहाँ से हमें क्लियर दिशा मिल जाए मार्केट का कि हाँ यहाँ से हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, तो वो पॉइंट मैं बताऊंगा। चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो ताकि हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन मार्केट के ऊपर आ रहा है। ओके, तो चलिए सर, जस्ट क्योंकि पेटीएम के ऊपर गवर्नमेंट जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था उस रेस्ट्रिक्शन को काफी हद तक उन्होंने क्या है रिलीज किया है, अभी से न्यू यूपीआई उन्होंने ऐड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली पेटीएम के लिए एक अच्छा न्यूज़ है और रिटेल के लिए इसको बहुत अच्छा 4054 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। इंडस्ट्रियल टावर का रिजल्ट, प्रॉफिट भी जंप हुआ है, रेवेन्यू जंप हुआ है, ईबिटा जंप हुआ है। अब देखो हो क्या रहा है, अभी कि हर रोज जो मैं स्टॉक दे रहा हूँ वो स्टॉक जो न्यूज इफेक्ट स्टॉक है वो सडनली मूव तो कर रहा है, लेकिन मार्केट का इस गिरावट भरी वजह से वो कंटिन्यू मूव नहीं दे पा रहा है। बट आज का जो मैं देखा हूँ चार्ट में वो मुझे पेटीएम ऑन 97, तो पेटीएम ये एक अच्छा जगह पे है। आई थिंक ये अगर 5 मिनट या 15 मिनट का एक रेंज बना के पॉजिटिव कैंडल होता है और पॉजिटिव रेंज बनाता है, ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। और नेक्स्टली जो मैं स्टॉक देख रहा था ट्रेंड, तो ट्रेंड को मैं एक सपोर्ट देख रहा था जो इससे भी थोड़ा सा पॉइंट नीचे और सपोर्ट है, तो अगर इस सपोर्ट से ये बाउंस बैक होता है तो डेफिनेटली ट्रेंड। अब देखिए चार्ट को मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ, ऑन डे का चार्ट है ये है आपको ऑन डे का चार्ट, और इसके नीचे जो सपोर्ट है वो डेफिनेटली आपको 7300 to 7350 यहाँ पे कोई ना कोई इसको सपोर्ट लेना चाहिए। देखिए अगर नहीं लेता है तो हम बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। और साथ में पेटीएम, देखिए आप अगर इस एनालिसिस को खुद से सीखना चाहते हैं तो हमारा दिवाली ऑफर जो चल रहा है वो कुछ ही दिन और रह जाएगा, पूरा साल में एक ही बार ये ऑफर चलता है जो 50% डिस्काउंट में सरकार ट्रैक का कोर्सेस। अगर आप कोर्सेस के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे जो लिंक है, नीचे जो नंबर जा रहा है उसे आप संपर्क कीजिए। तो पेटीएम का जो मेजर सपोर्ट देख पा रहा हूँ इस जोन पे, यानी कि 640-645 पे, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आज का दिन पे भी ये 665-670 से बाउंस बैक सीनारीज बनने के लिए देख सकता है और 700 का टच कर सकता है। चलिए गाइस, अब चलते हैं कि आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का कौन सी रेंज, कौन सी लेवल सही रहेगा। तो सबसे पहले अगर मैं कॉल साइड का बात करूंगा तो शायद आप लोग हंस पड़ेंगे, अरे मार्केट इतना गिर रहा है और आप कॉल साइड की बात कर रहे हो। यस गाइस, मार्केट ऐसी सिचुएशन पे आ गया है, मुझे लगता है देखो कल भी क्या किया था, कल भी मार्केट सुबह सुबह सेशन पे एक पॉजिटिव रुझान दिखाया था, परसों भी सुबह सुबह सेशन पे शायद कुछ पॉजिटिव रुझान दिखाया होगा, ये डाउन हुआ पॉजिटिव हुआ, ये मतलब लोगों को बहुत अच्छा तरीके से स्टॉप लॉस ले रहे हैं जिन लोग विदाउट लर्निंग मार्केट कर रहे हैं। मैं पहले भी एक बात बताया था कि जब तक 20 नवंबर आ रहा है, 20 नवंबर आ रहा है तब तक शायद छोटे मोटे रिटेल को पैसा पूरा खाली कर जाएंगे, जेब पूरा खाली कर जाएंगे। ओके, तो बी केयरफुल, समझदारी के साथ ट्रेड कीजिएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ आपसे तो बात के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कॉल साइड तो कंटिन्यू डाउन है सर। ओके, कंटिन्यू डाउन है तो आप खुद ही देख पा रहे हैं कि मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ। इस लेवल के ऊपर स्टेबल होगा, मिनिमम 150 के ऊपर अगर स्टेबल होगा तो ही कुछ ना कुछ मानिएगा, तो ही कुछ ना कुछ मानिएगा। ओके, तो 150 से लेके नियर अप 200 ये कोई ना कोई एक जोन अगर पॉजिटिव आएगा मार्केट, अगर पॉजिटिव आएगा, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, मार्केट का सेंटिमेंट डाउन है और अगर ऑप्शन चेन मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो डेफिनेटली यही देख रहा हूँ कि मार्केट अगर थोड़ा बहुत अगर पॉजिटिव रुझान करता है आपको तो वो पॉजिटिव रुझान स्टेबल होने के लिए मुझे इस साइड में ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होना होगा। तो मार्केट सेशन पे हम तो एक्टिव रहेंगे आपके साथ इस टेलीग्राम ग्रुप में, इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना, सर्कट ट्रेडर्स @Kaushik @Kaushik, फेक चैनल से बचने के लिए मैं @Kaushik जोड़ा हूँ, इसे जरूर देख लेना। ओके,
तो चलिए गाइस, निफ्टी का ऑप्शन चेन के सेंटिमेंट्स तो समझ में आ गया। अब जो टेक्निकल पॉइंट है, तो टेक्निकल पॉइंट देखो, सेबी रिसर्च एनालिसिस लोग क्या कहते हैं कि 11 बजे तक डेटा बनता है, डेटा बनने के बाद ही सही ट्रेड बनता है। डेफिनेटली बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है, बट सर्दा ट्रेडर्स आप देखे होंगे टेलीग्राम ग्रुप में 10 बजे तक 11 बजे तक ट्रेड खत्म भी कर देते हैं, क्योंकि हम टेक्निकल वाइज चलते हैं सर, टेक्निकल। ओके चलिए, तो टेक्निकल का अंदर ह्यूज पावर होता है। तो निफ्टी का 24,500 पी के ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर पिछला दिन का हाई को ये ब्रेक करेगा ना, मान लो ज्यादा डाउन नहीं हुआ हाई और इस रेंज पे कोई घूमता हुआ इसे ब्रेक किया, तो ये एक मौका रहेगा आपको कि नेक्स्ट टारगेट मुझे कहाँ रहेगा, 180 के नियर अबाउट। ठीक है, 140 को क्रॉस किया तो 180 के नियर अबाउट इसका टारगेट रहेगा। इसमें प्रॉफिट बुकिंग आता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे सपोर्ट मिलेगा, मुझे सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, एक तो मुझे सपोर्ट मिल रहा है 75 के आसपास, क्लियर सर, एक तो मुझे सपोर्ट 75 के आसपास, सेकंड सपोर्ट मुझे 60 के आसपास, और थर्ड सपोर्ट मैं जा रहा हूँ 25 के आसपास। यानी कि ये हर जोन पे अगर आएगा, ये हर जोन पे आएगा तो मैं वहाँ से बाउंस बैक का सिनेरियो देखूंगा। क्या देखूंगा सर? बाउंस बैक का सिनेरियो, स्मॉल टाइम फ्रेम पे, स्मॉल टाइम फ्रेम पे ये जो बाउंस बैक, ये जो बाउंस बैक, ये 15 मिनट है, लेकिन हम 15 मिनट नहीं देखेंगे, हम स्मॉल टाइम फ्रेम का बाउंस बैक देखेंगे। और यहाँ पे कुछ टेक्निकल मूविंग एवरेज अगर आप यूज करोगे तो वो काफी कंफर्मेशन आपको देता है। तो निफ्टी के लिए आपको क्लियर हो गया कॉल साइड कब रहेंगे, किस रेंज तक रहेंगे, किस रेंज के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव जा सकता है, किस रेंज के ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। साथ में अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का देखो, ये जो मैं प्री ओपन मार्केट में कॉल पुट का क्लियर एनालिसिस देता हूं, और हर रोज आप देखते होंगे ह्यूज प्रॉफिट होता है। ओके सो देखो, आज है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी, तो एक्सपायरी के दिन काफी प्रीमियम डिकेटर चांसेस रहता है। तो यहाँ पे कॉल साइड की अगर मार्केट न्यूट्रल भी ओपन हुआ तो कॉल साइड थोड़ा डिके ही होगा। ठीक है सर, कॉल साइड थोड़ा डिके ही होगा। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा इस कॉल पे हम तभी जा पाएंगे, मिनिमम 300 के ऊपर आ जाए स्टेबल हो तो 350 का कुछ राहत देखे, और 400 के ऊपर अगर स्टेबल हो तो काफी स्ट्रांग हो जाएगा, ये समझ लीजिए कॉल साइड। बट ऐसे चांसेस बहुत कम लग रहा है मुझे। ठीक है सर, देखते हैं, मार्केट कुछ भी कर सकता है, और जो प्रीमियम डिके होगा कहाँ तक जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। ओके तो पुट साइड कहाँ पे ध्यान देंगे? तो पुट साइड के लिए मैं बहुत क्लियर जोन बताऊंगा कि ये जो लो बनाया था कल, अगर इस लो तक मिल जाए आपको मौका, तो शायद इस लो से जब बाउंस बैक होगा, देखो सिंपली स्टॉप लॉस एंट्री पॉइंट, डाउन हुआ कैंडल बनाया, इससे नीचे सेल और यहाँ पे बाई। देखो ना आप प्रीवियस एक बॉटम देखो, क्या उस बॉटम पे आया? सर इस तरीके से कौन सिखाएगा आपको, बताओ कोई भी यूट्यूब चैनल है क्या? ओके इसका ब्रेकआउट पॉइंट, तो ब्रेकआउट पॉइंट मैं यही बात करूंगा कि देखिए ये जो हाई है, ये जो हाई है इस जोन को अगर, जैसे मैं निफ्टी में बताया, इसी अगर इसमें इस जोन को ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट जोन बनता है जो कि इसका एक बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है। क्या हो सकता है? एक बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है, आप 260, 300, 350 यानी कि हम क्या बता रहे हैं कि 150 के ऊपर अगर स्टेबल हो जाएगा तो 150 के ऊपर, और फिर एक रेंज रह जाता है 165। बहुत क्लियर देखो, इतनी अच्छा से मॉर्निंग पे आपको शायद कोई नहीं बताता होगा। ठीक है, 250 का मैं टारगेट दूंगा, पहला टारगेट 250 से फिर यहाँ पे थोड़ा सा रुक सकता है, रुकने के बाद वेट करने के बाद 250 ब्रेक करेगा तो फिर 250-60 ब्रेक करेगा तो 320। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप रहेगा मार्केट, अभी देखते हैं मार्केट कैसे ओपन होता है, और ओपन होने के बाद 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट क्या मार्केट सिचुएशन बना रहा है। देखिए सडनली अगर मॉर्निंग पे ही बड़ा झटका मार्केट ने बना दिया है, चाहे कॉल साइड हो चाहे पुट साइड हो, तो हमें भी केयरफुल रहना चाहिए। हाँ, कॉल साइड मूव कर रहा है, बड़ा झटका बनाता है, तो फिर मुझे लगता है कि पुट के लिए आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो जिन्होंने लास्ट टाइम तक वीडियो देखते हैं जरूर बताना, ताकि आई होप कि आप सुबह 10 बजे तक 11 बजे तक एक अच्छा प्रॉफिट कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।